वेलकम टू इलेक्ट्रो मॉड्यूल। आज की वीडियो में हम समझेंगे जो डिप सोल्डरिंग मशीन होती है उससे किस तरीके से अपन सोल्डरिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे जो डिप सोल्डरिंग मशीन है उसमें ये ऑन ऑफ स्विच है, इससे ऑन या ऑफ होगा। ये सिलेक्ट कंपनी का टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है जिससे आप ये वाला बटन प्रेस करके होल्ड करके और आप टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हो। मैंने ये अप कर दिया, ये डाउन कर दिया प्रेस करके ये वाला बटन, ठीक है। ये सेट होता है, यहाँ हीट होना स्टार्ट हो गई होगी। चलिए अब इसमें ये जो है ये चिमटा होता है हमारा जो कि पीसीबी को पकड़ने के काम आता है, और इसके बाद जो सोल्डरिंग के बाद जो कचड़ा टाइप कुछ निकलता है तो उसको अपन इससे प्लेट से निकालेंगे, और इसके साथ साथ हमें फ्लक्स की ज़रूरत पड़ती है, लिक्विड फ्लक्स। तो ये हमारा बिग कंपनी का लिक्विड फ्लक्स है, और इसमें अपन को सोल्डरिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा सोल्डरिंग रॉड है, इसका जो कंपोजिशन है वो 60-40 रहता है। ये हम इसमें डालेंगे, तो पहले इसको गर्म होने देते हैं फिर उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमारी डिप मशीन का टेम्परेचर 271-272 हो रहा है, और अभी देख सकते हैं इस तरीके से दिख रही है। जैसे इसका टेम्परेचर 320 के अराउंड हो जाएगा जो कि आइडियल टेम्परेचर माना जाता है, तो इसको अपन पूरा इस तरीके से साफ़ करेंगे, देन डिप करेंगे पीसीबी को लिक्विड फ्लक्स लगा के। तो देखते हैं इसका टेम्परेचर कंप्लीट होने के बाद। वेलकम बैक। डिप का टेम्परेचर हमारा 330 के अराउंड हो गया है। ये हमारा लिक्विड फ्लक्स है, तो ये हमारी पीसीबी फिलिंग कंप्लीटेड है, और ये हमारा जग्गू भाई है, अब ये हमें डिप करके बताएंगे। तो ये पीसीबी को हमने उठाया, सारे कंपोनेंट हम एक बार चेक करेंगे कि पीसीबी पे टच हैं कि नहीं। टच होने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो चिमटा है वो प्रॉपर कनेक्टेड हो, प्रॉपर पकड़ा हुआ हो, ठीक है, जिससे कि कोई भी कंपोनेंट यहाँ वहाँ ना आए। अब हमने इसको लिक्विड फ्लक्स में थोड़ा सा डिप किया, ये जैसे डिप हो जाएगा ये, ठीक। थोड़ा झटकाने के बाद मैं इसको इस ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ इसका गंदगी टाइप रह जाती है हर पीसीबी के बाद लिक्विड फ्लक्स से जो आती है। इस तरीके से ये डिप हो गई हमारी, जैसे कूड़ियाँ तलते हैं हम, ये कंप्लीट हो गया। हम फिर से इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, कभी थोड़ा बहुत रह जाती तो हम उसको फिर से भी डिप कर सकते हैं। तो इसको देख सकते हो पूरी की पूरी सोल्डरिंग जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। मैन्युअली आप करोगे तो ये एक सेकंड का काम मान के चलिए आप 20-25 मिनट का हो जाता है। थैंक यू।